कंपनी ये बोल रहा है ना कि हमारा जो है कि पहुंच जो है कि राजनाथ सिंह के हम रिलेटिव हैं और जो है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करना हो। कौन बोलते हैं? ये सुनील सिंह, आदित्य सिंह, ये कंपनी के डायरेक्टर है, यही लोग बोलता है। धनबाद के कनकनी स्थित राम अवतार आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूरों के साथ हो रहा है शोषण। मंत्री के रिश्तेदार बताकर दिया जाता है धमकी, मजदूरों ने दी आंदोलन को चेतावनी। बता दें धनबाद के कनकनी आउटसोर्सिंग पैच स्थित राम अवतार आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ मजदूरों का आक्रोश देखने को मिला, जहां करीब 40 मजदूरों को काम से हटाए जाने के बाद मजदूरों ने न्याय की मांग को लेकर प्रबंधक गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन के सचिव अख्तर खान ने बताया कि कंपनी द्वारा यहां मजदूरों का शोषण किया जाता है, उन्हें मंत्री और पुलिस प्रशासन के नाम पर धमकाया जाता है। वहीं अपने आप को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का रिश्तेदार बताकर धौंस दिखाया जाता है। वहीं मजदूरों ने मामले को लेकर बताया कि 2.5 महीने से उन्हें बैठा दिया गया है, 1660 की वजह से 300 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जो कि कहीं से भी नियम संगत नहीं है। इस मामले में श्रम न्यायालय में केस भी दर्ज की गई है। धमकी देकर केस उठाने को कहा जाता है, स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव दिलाया जा रहा है, सुरक्षा के मानकों में भी अनियमितता बढ़ती जाती है, आवाज उठाने पर धमकाया जाता है। वहीं इस मामले पर कंपनी प्रबंधन ने पूरे मामले पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत के अनुसार श्रमिकों को रखा गया है और नियम संगत कार्य किए जा रहे हैं, सुरक्षा के मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है। बहरहाल पूरे मामले पर अब मजदूरों की निगाहें श्रम न्यायालय पर टिकी है, मामला श्रम न्यायालय में चल रहा है। अब 23 फरवरी को न्यायालय से क्या आदेश आता है, उसके बाद आगे की रणनीति पर मजदूर विचार करेंगे, लेकिन कंपनी कितना हद तक श्रमिकों के हित में कार्य कर रही है यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इसमें मेरा स्पष्ट जो कहना है, जितने आदमी रोल में हैं जो काम करते हैं उनको नियम के अनुसार उनको पैसा मिलता है। नियम के अनुसार HPC जो वेजेज है जो रोल में है उनको पैसा मिलता है, जो भी है 1100 है 1200 है जो भी है, HPC का जो वेज जो फिक्सेशन होता है उसके हिसाब से उन लोगों को पैसा मिलता है। मजदूर तो कह रहा है कि सर मात्र 300 रुपए मिलता है। अब मजदूर कहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है, ऐसा कोई लिखित हमारे पास आवेदन नहीं आया है इन लोग का कि हमको पैसा कम मिल रहा है। अगर कम पैसा मिलता है उन लोगों को तो उन लोग लिखित आवेदन दे, हम उसको देखेंगे। कौन गया है कोर्ट में मुझे इसकी जानकारी, सब बेबुनियाद आरोप है, कौन धौंस देगा, क्यों धौंस देगा, नहीं नहीं क्यों धौंस देगा। मनमाना जो कानून बनाया गया उस पे काम कर रहा होगा, मनमाना कानून थोड़े बनता है, कानून तो नियम और तौर तरीके से बनता है, मनमाना तो कानून बनता नहीं है, कानून कानून है, कानून हम आप तो नहीं बनाते। मजदूर सर जो बोल रहे हैं क्या वो झूठ है? क्या तो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब प्रबंधक भी नहीं सुन रहे हैं और आउटसोर्सिंग प्रबंधक जबरन काम करने बोलते हैं, ऐसा मजदूर के मुताबिक ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी हर बात को हम लोग सुनते हैं। तो फिर आखिर क्या कुछ कारण रहा सर मजदूर को विरोध करने का? 2.5 महीना से बैठे हुए, विरोध करने की बात कहाँ है, विरोध करने की बात कहाँ है, प्राइवेट कंपनी है, जितना उसको नीड है उस हिसाब से वो आदमी लगा रहा है, काम कर रहा है,
लोगों को ऐसा तो नहीं बोला कि हम नहीं रखेंगे, भाई हमारा मशीन बढ़ेगा रखने की जो बात हाँ। लेकिन सर क्या केस चल रहा है, आप बता रहे हैं कि आईडी केस चल रहा है, तो आईडी केस के मैटर के बारे में तो विशेष रूप से आप ही लोग जान रहे हैं। अगर एक संस्था है, अगर किसी को कम पैसा मिलेगा वो वहाँ कंप्लेन देंगे, वो कोर्ट देखेगी, उनका जो आदेश होगा उसको हम लोग देखेंगे, कंप्लाई करेंगे, करवाएंगे। जैसा सर आरोप है लोगों का कि सुरक्षा के तौर पर भी जो टोपी है, जूता है या जो भी है नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं। आरोप देखिए, आरोप बहुत लग सकता है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगाएगा, कोई भी लगा सकता है, कुछ ऐसा नहीं। सुरक्षा पुख्ता इंतजाम, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा के साथ ही काम कराया जाता है, और अगर कहीं कुछ कमी अगर नजर आएगी लोग बताएंगे तो उसको मैं देखूंगा। राम अवतार कंपनी हम लोग को काम से अवरुद्ध कर दिया है, बैठा नहीं दिया, आप काम में बुला रहा है लेकिन शर्त पर बुला रहा है कि आप कोई भी डिमांड नहीं रख सकते हम लोग के बीच में, हम जितना हाजिरी है उसी में खटाएंगे आपको, आपको करना पड़ेगा। थाना प्रभारी के दबाव में और ये एजेंट साहब के दबाव में ये जो बैठक हुआ था उसी में दबाव दिया गया कि सबको हम जो बोलेंगे उसी में करना होगा। और 300 रुपये हाजिरी था, सरकार कितना देती है? सरकार 1162 देती है। हम लोग लेबर कोर्ट में केस किए हैं, सबसे पहले बोला कि लेबर कोर्ट से केस भी हटाना होगा, केस विड्रॉ करना होगा, और उसके बाद आपको फिर जो जो हम देंगे उसी में खटना होगा, और पैसा का भी डिमांड नहीं करना होगा इस बीच में कि अगर मेरा बिल मिलेगा, 6 महीना मिलेगा, साल भर मिलेगा, तभी हम आपको देंगे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मजबूर हैं, हम लोग वैसा एग्रीमेंट करके काम करना नहीं चाहते हैं। वो देख रहे हैं सब रेवेन्यू टिकट में साइन कर करके जो वर्कर जा रहा है उससे करा रहा है, वो तो बुला रहा है काम करने के लिए, लेकिन वो रेवेन्यू टिकट में साइन करा रहा है वो है हम लोग के पास में जो लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, जो एकदम गैरकानूनी है। सेफ्टी का कुछ भी नहीं है सर, ना जूता देता है, ना टोपी देता है, ना कुछ भी देता है, कुछ नहीं सर, ना लाइट का व्यवस्था। रात में काम करते समय इतना डेंजर जोन में आग लगने में काम करते हैं सर कि मत पूछिए, कभी भी जान जा सकता है, इसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। एकदम वो बोलता है कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ हम जैसे चला रहे हैं वैसे चलाएंगे। हाँ बात तो बराबर होता है, बोलता हम कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं करने सकेगा, तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, अगर खटना है तो उतना में खटना होगा तुमको, जबकि हम यहाँ का रैयत है, हम यहीं से हैं, सब कुछ है सर, समझे ना। किसका दबाव में क्या है सर, क्या बोले या ये लोग बोल रहा है, जैसे एजेंट साहब उस दिन हम लोग को बता रहे थे कि इनका सब राजनाथ सिंह का रिलेटिव का है कंपनी, वो DSP उनका है, सारा प्रशासन उनका है, उसी तरह से बात बोल रहे थे। तुम लोग को करना पड़ेगा, मजबूर होकर करो, मजदूर हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में आएगा, हम तो काम नहीं करेंगे ऐसा शर्त में, लास्ट में ऐसा आएगा सर तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग आत्मदाह कर देंगे जगह रणधीर वर्मा चौक में। कब से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? कब से काम नहीं कर रहे हम लोग सर? अभी तो 2.5-3 महीना से बैठे हैं सर, वो खुदे मन किया था कि हम पेमेंट देंगे, तब 2.5 महीना खटा लिया था, पैसा नहीं दिया, दुर्गा पूजा में नहीं दिया, दिवाली में नहीं दिया, छठ में नहीं दिया, तो हम लोग मजबूर होकर के बोले सर हम लोग को पेट नहीं चल रहा, हम लोग बंद कर रहे हैं। मेरा नाम नलाल महतो कर रहे हैं कि राम अवतार माइनिंग के खिलाफ लेबर कोर्ट में HPC के लेकर के आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लेकर, सुरक्षा का मुहैया कराने के लेकर के विवाद हुआ है। इस पर जो है कि एक कंपनी जो है अपना मनमाने ढंग से इन लोगों को विवाद करने के कारण छांट रहा है और बोलता है कि काम पर हम लेंगे कि शर्त तुम लोग दो, कोर्ट से केस को विड्रॉ करो और इसके बाद एफिडेविट दीजिए कि हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। तो ऐसे भी था HPC रेट विगत जिस समय से काम शुरू हुआ ये राम अवतार का, तभी से ये मनमाने ढंग से 300 रुपया प्रतिदिन करके मजदूरों को दे रहा, जबकि HPC का रेट 1100 कुछ रुपया है, और उस मतलब ये मजदूर अपना दबे कुचले करते आ रहे थे काम को, लेकिन जब विवाद हुआ तो विवाद से क्षुब्ध होकर के और प्रशासनिक दबाव में इन मजदूरों को बोलते हैं कि जो कानून है, जो कंपनी कहेगा उसी के अनुसार काम करना होगा, जो वेतन देंगे उसी वेतन पर काम करना होगा। नहीं एकदम काम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, जबकि लेबर कोर्ट के माध्यम से विवाद करके हम लोगों ने बोला कि हमको HPC रेट पेमेंट कराया जाए, आइडेंटिटी कार्ड इशू कराया जाए। 42 आदमी है, हाँ टोटल 42 आदमी है। कंपनी है जो है कि आदित्य सिंह सुनील सिंह, कंपनी बोल रहे हैं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा कराएंगे, जो हाँ हमारा हाँ कंपनी ये बोल रहा है ना कि हमारा जो है कि पहुँचे जो है कि राजनाथ सिंह के हम रिलेटिव हैं और जो है कि वो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। कौन बोलते हैं? ये सुनील सिंह, आदित्य सिंह। कौन है ये सुनील? ये कंपनी के डायरेक्टर हैं,
यही लोग बोलता है कि हमारा पहुंच बहुत दूर तक है, राजनाथ अमरेश सिंह, राजनाथ सिंह तक हमारा पहुँच हो, मेरा रिलेटिव हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, हम जैसा कहें वैसा करो। काम कब से बंद है? काम तो इधर लगभग 2 महीना तक हो गया, काम बंद बंद किया। हाँ, इसलिए 2 महीना से बंद हुआ सर कि काम करा के 2.5 महीना का वेतन नहीं दिया, जिस पर केस हुआ तो केस करने के चलते वही पुराना रेट से 2.5 महीना का कुछ कुछ लोगों को पैसा ही दिया, तभी से काम बंद है। भूखे रह के तो कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ हाँ, गए हुए हैं, जो अभी मामला लंबित है, लेकिन बीच में प्रशासनिक दबाव दे करके बैठक में थाना प्रभारी को बुला के डरा धमका के बोलते हैं कि नहीं जैसे करता है उसे करो। हाँ, इसके खिलाफ हम लोगों ने SP, DC, DIG, DG, मुख्यमंत्री सबको कागज दिए हुए हैं। क्या हुआ तो? अभी तो दिए हैं, दुरुज हो रहा है, अब क्या कार्रवाई होता है वो पता चलेगा। आगे का बात मांग यही है मेरा है कि मजदूर काम पर बहाल हों, और इसके बाद जो HPC रेट जो सरकार का नियम है, नियमानुसार आप काम करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सरकार मैंने गैर कानूनी ढंग से, कानून को तो ताक पर रख दिए हैं, कानून से कोई डर नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का ही हम लोग का मांग चल रहा है, लड़ाई जारी है, 23 तारीख का डेट भी है RLC रीजनल लेबर कमिश्नर के यहाँ। कौन सा साइड है ये? राम अवतार माइनिंग, कनकनी पेच है, राम अवतार। मेरा नाम अख्तर खान से, रिलेशन राजनाथ सिंह से है, हमारा रिलेशन मेरे बहुत बड़ा उच्च स्तरीय तक है, SP DSP है हमारे साथ में, तो ये लोग भय दिखाकर मजदूरों को काम करवाना चाहते हैं और ऊंचा पहुंच बताते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, थाना प्रभारी से भी डराते धमकाते हैं, वर्करों लोग को धमकी दिलवाते हैं, मार देंगे, पीट देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे, उनका वीडियो भी है, थाना प्रभारी के सामने कंपनी वाले बोले कि मार के गर्दन तोड़ देंगे, वर्कर लोग को इतना डरा हुआ है कि ये लोग अब वहाँ पर जाने के लिए भी डरता है कंपनी के पास। मांग यही है कि हमने केस भी किया है लेबर कोर्ट में, लेकिन अभी तक कानून का भी उल्लंघन ये कंपनी वाले कर रहे हैं। BCCL का मीटिंग भी हुआ है परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में, तो वहाँ भी मीटिंग असफल हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम मनमानी ढंग से काम करवाएंगे वर्कर से, और बाकी जो उनका मांग है सेफ्टी का और ID कार्ड का और जो HPC वेतन का है वो लोग ये लोग देना नहीं चाहते हैं, और अंग्रेजी शासन से अपना काम करवाना चाहते हैं। अपना यूनियन है, इतना नेता लोग नहीं, अभी तक तो कोई नेता नहीं आया, समर्थन नहीं दे रहा कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं, क्यों समर्थन नहीं दे रहा? अब पता नहीं क्या मांगने पर देंगे समर्थन, अगर मांगा जाए तो शायद हो सकता है देंगे। आगे क्या करेंगे? अब वर्कर लोग भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है कि ये लोग आत्मदाह करेंगे, अब भूख से तो ऐसे वैसे भी मरेंगे। कंपनी का मालिक का भी सिर्फ एक ही कहना है कि वर्कर आए और यहाँ साइन करे रेवेन्यू टिकट पर, जो उनका मतलब कि मनमाना ढंग से जो बना कानून बनाया है वो अपना तरफ से उसी पे बोलते हैं काम करने जी कम वेतन में काम हाँ कम वेतन में 300 मतलब प्रति में काम करने के लिए बोल रहे हैं। मेरा नाम यास्मीन खातून है और राष्ट्रीय मजदूर यूनियन से हूँ मैं, कार्यकारिणी सदस्य।